नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में मिला सोने का बड़ा खजाना। जेवरों के ढेर देखकर फटी रह गई अधिकारियों की आंखें। न्यूज 18 हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में आयकर विभाग को एक बार फिर से सोने का बड़ा खजाना मिला है। आयकर विभाग ने उदयपुर में होटल समूह के ठिकानों पर छापा मारा तो वहाँ सोने के जेवरों की ढेर और नकदी देखकर हैरान रह गए अधिकारी। इससे जुड़े दस्तावेज खंगालने में जुटे हैं। राजस्थान में एक बार फिर से बड़ा खजाना मिला है। आयकर विभाग ने उदयपुर के होटल कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे तो वहां सोने के कई किलो जेवर देखकर चौंक गए। आयकर के इन छापों में बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग ने उदयपुर के फतेह ग्रुप, रॉकवुड और एडीएम ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। वहाँ जेवर के साथ बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी भी सामने आई। वहीं कारोबारी में की गई करोड़ों रुपए की हेर फेर भी पाई गई है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार इन छापों में अब तक सोने के करीब 9 किलो जेवर और 3 करोड़ 30 लाख रुपए की ब्लैक मनी जब्त की गई है। जब्त किए गए सोने के जेवरों की कीमत 5.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। वहीं 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की काली कमाई के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रॉकवुड ग्रुप से जुड़े ठिकानों से काले कारोबार के दस्तावेज जब्त किए गए। छापेमारी की इस कार्रवाई में इस ग्रुप की मुंबई और कोलकाता की कंपनियों के नाम पर बड़ा कारोबार सामने आया है। वहाँ से अब तक 80 करोड़ रुपये के काले कारोबार के दस्तावेज किए गए हैं। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस भारत।